في القلب تلالا لالا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى अस्सलाम वालेकुम। आज मैं काफ़ी लेट उठा था सेहरी में, सो सेहरी किया, उसके बाद अजान हुई, मैं आ गया यहाँ पे नमाज़ पढ़ने। तो नमाज़ पढ़ने में आ गया था, अब जाऊँगा नमाज़ पढ़ के, करूँगा कुछ देर आराम, उसके बाद फिर जाऊँगा क्लासेस। सो अब बच चुके थे 9 और मैं जा रहा था क्लास करने, क्योंकि आजकल क्लासेस भी होती हैं। सो ये देखिए, मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा था, धूप छाँव बराबर हो रहा था। सो चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये नज़ारा कुछ है, अब काफ़ी ग्रीनरी होने लगी है हमारे हॉस्टल में। सो इस रास्ते से मैं जा रहा था, यहाँ पे मैं देखा काफ़ी खूबसूरत फ्लावर्स आ रहे थे, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रहे थे, ये देखिए मैं एक को उठाया हाथ में, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था रेड कलर का। वैसे किस चीज़ का फ्लावर है आपको पता होगा तो बताइएगा। तो इसी तरह से मैं धीरे धीरे निकल ही रहा था यहाँ से, लेकिन धूप तो अब लगने लगी थी, सो क्या ही करें। उसके बाद मुझे मिल गई एक बाइक, सो अब मैं पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे अभी मैं जा रहा था, तो चलते हैं यहाँ पे आपको दिखाते हैं। 8 फैकल्टी के पीछे वाले रास्ते से मैं जा रहा था डिपार्टमेंट, सो डिपार्टमेंट जाऊँगा वहाँ पे कुछ देर, जो कुछ भी काम है सब कुछ निपटा के फिर वापस आऊँगा रूम पे। और वैसे शाम भी हो जाएगी, सो चलेंगे अफ्तारी का पूरा सामान वगैरह लेंगे, चलते हैं फिलहाल मैं 8 फैकल्टी के पास में, एंड उसके बाद जाएंगे और सब कुछ काम करेंगे रूम पे। वैसे अब नमाज तो जोहर की ही पढ़ना होगा, यही कहीं इसी मस्जिद में, क्योंकि अब टाइम तो रहेगा नहीं रूम पे जाने का, मिलेगा नहीं, सो इसलिए यहाँ पे पढ़ना होगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी रोड काफ़ी खूबसूरत लग रहा था ये फ्लावर्स की वजह से। सो मैं आ गया था यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट की तरफ, बॉटनी डिपार्टमेंट। तो फिलहाल अभी तो मैं बॉटनी डिपार्टमेंट जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं चुंगी की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ फाइल के पेजेस लेना है, सो वहाँ से अब लेकर आऊँगा, तो उसके बाद जाऊँगा। वापस सामान लेके अब चलता हूँ अपने रूम की तरफ और आपको दिखाऊंगा वहाँ का नज़ारा। बीच बीच का मैं कैप्चर नहीं करा था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, सो अभी मैं अपने रूम पे नहीं, ऑफ के रूम पे जा रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे रखा हुआ है सब कुछ सामान। सो आ गया तो मैं यहाँ पे इसके रूम पे, अपना सब कुछ सामान लिया, उसके बाद मैं निकल गया यहाँ से अपने रूम के लिए। चलते हैं रूम पे और फिर वहाँ से क्या बोलते हैं देखते हैं अफ्तारी का क्या सीन रहता है, जाएंगे बाहर तकरिया वहाँ से लाएंगे सामान। तो इसी तरह से निकल चुका था मैं सैफी हॉस्टल से, एंड चलते हैं अब जल्दी जल्दी यहाँ से, वक्त तो कम ही रह गया था, असर की नमाज भी अभी पढ़ना है, उसके बाद जाना है बाहर। तो सामने रीडिंग रूम, हमारे हॉल में एक ही रीडिंग रूम है जो कि सैफी हॉस्टल में, तो वैसे ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, कभी किसी वीडियो में आपको अंदर से भी व्यू दिखा दूंगा, तो कुछ खास है नहीं रीडिंग रूम यहाँ का, लेकिन है जो भी सही है। तो चलते हैं, एंड देन उसके बाद मैं आ गया था यहाँ पे जकरिया मार्केट, तो यहाँ पे लेना था अभी मुझे सामान। सो आज मैं अकेले ही
आया था यहाँ पे मार्केट, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो लेना नहीं था फल फ्रूट। और यहाँ पे मैं आ गया था जलेबी लेने, यहाँ पे मैं लिया एक पाव जलेबी। तो काफ़ी अच्छी अच्छी स्वीट डिश थी, लेकिन ज़रूरत नहीं थी मुझे। यहाँ पे मुझे जो जो सामान लेना था वो मैं ले चुका। चलते हैं, और यहाँ पे पकौड़ी हम लोग रोज़ खुद बना लेते हैं क्योंकि सही रहता है। उसके बाद टाइम हो गया था अफ्तारी का, अफ्तारी की, और मौसम अचानक पूरा बिगड़ने लगा। ये देखिए कितनी तेज़, पूरे आसमान में एकदम बिजली चमक रही है। ये मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकला, उसके बाद तुरंत ये देखा, सो कैप्चर किया मैं, काफ़ी तेज़ बिजली चमक रही थी। सो अब क्या ही करें, जल्दी जल्दी मोबाइल को भी मैं लगा लिया था चार्ज पे, क्योंकि जैसे ही मौसम बिगड़ता है तुरंत लाइट कट जाती है। एंड अफ्तारी करने के बाद कुछ देर ऐसा कि नमाज़ भी हो गई, उसके बाद हम आ गए यहाँ जकरिया शेरे पंजाब पे, यहाँ पे लस्सी पीने, क्योंकि लस्सी पीने का मन कह रहा था काफ़ी दिनों से। सो मैं इमदाद ऑफ और शुएब हम लोग चारों लोग एक साथ आ गए यहाँ पे, बैठे इंतज़ार कर रहे हैं लस्सी का। सो यहाँ पे हम लोग बैठे थे कुछ देर, उसके बाद लस्सी आई, एक एक गिलास हमने पी आराम से लस्सी मज़े ले लेकर। सो काफ़ी टेस्टी लस्सी थी यहाँ पे। सो लस्सी पीने के बाद अब यहाँ से हम निकल ही रहे थे कि अचानक मौसम एकदम पूरा चेंज हो गया। ये देखिए कितनी तेज़ बिजली चमकने लगी और पूरा अंधेरा चारों तरफ हो गया हॉस्टल में, क्योंकि लाइट भी जा चुकी थी। जैसे ही मौसम बिगड़ता है लाइट भी चली जाती है। सो यहाँ पे देख सकते हैं मौसम एकदम चेंज हो गया, और यहाँ बर्फ गिर रहा है। ये देखे देखे तूफान, और आधी तूफान आ गई थी, पूरे एकदम इतने बड़े बड़े पत्थर गिर गए थे। सो क्या ही करें, अब दिन में देखेंगे क्या कुछ नुकसान हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए काफ़ी ज़्यादा एकदम बूंदाबांदी हो रही थी। एंड यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पत्तियाँ, और उसमें साथ साथ ये देखिए छोटे छोटे बर्फ़ के गोले गिरे हुए हैं। पूरे चारों तरफ यही नज़ारे दिख रही है, मैं आपको उठा के दिखाऊँ। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा, ये क्या ही मैं बताऊँ, इतने ज़्यादा ओले गिरे। इसी तरह से मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ एंड, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।